अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है मेजर गौरव आर्या की, कंक्लूसिव प्रूफ दैट सीमा हैदर इज ISI एजेंट। आखिरकार मेजर साहब ने प्रूफ कर दिया है जी, सीमा हैदर का तल्लुक है ISI से। चलिए मिलके देखते हैं और उनके जो प्रूफ हैं, जो उनके सबूत हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए वो भी फेक निकला, वो इशू करा गया है 2022 में। अब आप सोचिए 2022 में, अब हम 2023, ये एक साल पहले पैदा हुई थी, एक साल की बच्ची सीमा हैदर। ये लड़की बहुत घूमी फिरी है, इसने और जगह देख, इसके बच्चों का अगर आप DNA टेस्ट देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये 10-15 दिन में मामला नहीं सलटा तो अब आप देखेंगे कि यहां पे NGO एक्टिव हो जाएंगे, नारी शक्ति वाले। यही पाकिस्तानी जो कश्मीर को फतेह कर रहे थे तालिबान का इस्तेमाल करके, तालिबान ने उल्टा उनको फतेह। जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या, और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, इस सीमा गुलाम हैदर का जो मामला है ना, इतना पेचीदा हो रहा है कि अब एक के अंदर एक परत निकल रही है इसकी। दो तीन बातें, अब UPATS ने, यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड जो यूपी पुलिस की है, बड़ा शानदार एक महकमा है यूपी पुलिस के अंदर, उसने चाबी देना शुरू करा हल्के हल्के से। तो दो तीन चीजें पता लगी हैं और बड़ी खौफनाक किस्म की। उसके जो कलम ने वीडियो में कवर करा था ना, जो उसके पाकिस्तानी दस्तावेज है, उसका आइडेंटिटी कार्ड, वो भी फेक निकला। वो इशू करा गया है 2022 में। अब आप सोचिए 2022 में, अब हम 2023, ये एक साल पहले पैदा हुई थी, एक साल की बच्ची सीमा हैदर, 2022 में उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फेक करा हुआ था। और उसका जो पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, 2022 में उसको इश्यू करा गया था, यानी कि उसको बोल रखा था कि तुम लोगों को कांटेक्ट करो, तुम सचिन मीना को कांटेक्ट करो, इसको फंसाओ। और अगर कोई, लोग देखते नहीं है ना कब इश्यू कराए, लोग इतने ध्यान से नहीं देखते, देखते अच्छा आइडेंटिटी कार्ड ठीक है, आगे बढ़ो, नाम मिल रहा है, चेहरा मिल रहा है, लोग इतना ही देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ कब किसने देखा? जब आप एयरपोर्ट के अंदर भी जाते हैं, जो बाहर जो CISF वाले चेकिंग करते हैं, वो हर एक चीज नहीं, वो बेसिकली चेक करते हैं कि भाई ये टिकट है, ये बंदा कह रहा है ये मेरा नाम है, टिकट में सेम नाम है, चेहरा मिलता है कि नहीं, अंदर जाओ। नॉर्मली दुनिया भर में यही होता है, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में यही होता है। और ये फ्रॉड करके ये साइकोलॉजिकल गेम खेला गया कि भाई साहब देखो लोग क्या चेक करेंगे, सीमा हैदर, अच्छा ये शक्ल मिलती है, नाम क्या है, सीमा गुलाम हैदर, अच्छा ये नाम है, ठीक है चलो आगे बढ़ो। ये स्टोरी है इसकी यार। पहले इसने ये अफवाह फैलाई थी कि ये पाकिस्तानी हिंदू है, इसने ये अफवाह फैलाई थी पहले कि मैं पाकिस्तानी हिंदू हूं, फिर मैंने गुलाम हैदर से शादी करी तो मैं मुसलमान बन गई, मैं वापस सनातनी बन रही हूं। पता नहीं उस कहानी में कितना लोचा है, और इसके पहले क्या थी किसी को कुछ नहीं पता। एक और बात, ये कई सचिन जैसे मुर्गों के साथ पबजी के थ्रू टच में थी दोस्तों, और NCR दिल्ली, खास NCR दिल्ली। अब देखिए इसने पकड़ा, इसने नक्शा देखा, मैं आपको बताता हूं गेम क्या है ये, ठीक है? और बड़ा आसान सा है, और इसको कहीं ना कहीं मिलिट्री ट्रेनिंग है, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फौज की इसको ट्रेनिंग है, क्योंकि फौजी कैसे सोचता है ना, फौजी का दिमाग एक तरीके से चलता है ट्रेनिंग के हिसाब से। इसने पकड़ा नक्शा, ठीक है, इसने देखा दिल्ली ये है, दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है, और नोएडा के बाद जाके ग्रेटर नोएडा है, ठीक है, यानी कि NCR में भी है लेकिन दिल्ली से दूर है। काम इसका कहां है? जाहिर सी बात है दिल्ली में इसका ऑपरेशन होना है, या जो भी होना है। व्हेन आई से ऑपरेशन, आई मीन मिलिट्री ऑपरेशन, वो भैया डॉक्टर वाला मत समझ लेना कि काटपीट वाला ऑपरेशन, ना मिलिट्री ऑपरेशन, जो इसको कार्रवाई करने के लिए भेजा है। ये सीमा गुलाम हैदर कई सारे बंदों के साथ टच में थी, उसमें से एक मुर्गा सचिन मीना था, तो ये सीमा गुलाम हैदर की कहानी। और जब UPATS ने उसको कागज दिया, उनके दिमाग में ना, UPATS के दिमाग में शक चल रहा था कि ये जो लड़की है ना, ये कुछ फ्रॉड है, इसका मामला कुछ अंदर की बात है जो ये नहीं बता रही है, कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जब आप टोन टोनैलिटी सुनते हैं, जब आप किसी को बात करते हुए सुनते हैं, आपको पता लग जाता है। आप सड़क पर चलते बंदे से पूछ लीजिए, आपको उसके बोलने के लहजे से यह पता लग जाएगा कि पढ़ा लिखा है कि नहीं है, आपको उसके प्रोनंसिएशन से, उसके एक्सेंट से पता लग जाएगा कि ये कौन सी जबान बोलता है, कौन सी नहीं बोलता है। अगर मैं हूं राइट, अगर मैं हिंदी बोलूंगा तो पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा। वही कोई हमारा साउथ का भाई है, अगर साउथ
साउथ इंडिया का कोई है वो इंग्लिश बोलेगा पता लग जाएगा, मैं इंग्लिश बोलूंगा पता लग जाएगा, कोई नॉर्थ का इंग्लिश बोलेगा, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, कहीं का भी आपको पता लग जाएगा। सीमा गुलाम हैदर इसलिए खतरनाक है उसका पता नहीं लग रहा। ये कब होता है दोस्तों, ये कब होता है कि जब कोई आदमी बोले कोई, जब कोई औरत बोले और आपको पता ना लग पाए, या तो वो वहां पर बहुत देर तक रह चुका है, बहुत देर तक। अब जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, ठीक है, अगर मैं बचपन से चेन्नई में रहता या उस समय मद्रास हुआ करता था, मैं मद्रास में रहता बचपन से, तो मैं तो एक तमिल की तरह तमिल बोलता, नेचुरल सी बात है, मैं बोलता, मेरा वही एक्सेंट होता, वही खाना पीना होता, वही आउटलुक होता, वही सब कुछ होता ना। सिमिलरली अगर कोई तमिल बच्चा यूपी में रहता तो वो तो वैसे ही बोलता, उसमें तमिल एक्सेंट तो नहीं होता, पर मुझमें होता क्योंकि मैं वहां पर था। इसी तरीके से जो बंदा जहां पर रहता है वहां पे उसका वेशभूषा, एक्सेंट, उसका बोलने का तरीका, सोच, सब कुछ वैसे ही हो जाता है, राइट? बहुत समय तक, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, बहुत समय तक बचपन में 2-3 साल जब मैं दिल्ली से आया, मेरा नॉर्थ ईस्ट का एक्सेंट था क्योंकि मैं 3-4 साल मैंने वहां पे पढ़ाई करी थी, तो बच्चों के साथ रह के, मेरे दोस्त कौन थे, नागा थे, मिजो थे, खासी थे, मणिपुरी थे, ये सब मेरे दोस्त थे। मैं शिलोंग में पढ़ा, मैं मिजोरम में पढ़ा, मेरा एक्सेंट वैसा हो गया, मेरा एक्सेंट वैसा हो गया। जब मैं दिल्ली में आया तो लोगों ने मुझे फिर बोला कि यार ये कहां से आया, ये इसका तो एक्सेंट ही अलग है, दिल्ली वाला एक्सेंट ही नहीं है। फिर जब मैं डीपीएस आरकेपुरम में आया था, उसी तरीके से दोस्तों ये बात होती है। सीमा गुलाम हैदर जिस तरीके से हिंदी बोलती है हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? अब किसी ने तो पकड़ के ना इसको सिखाया है कि मैडम आप ऐसा बोलो। इसके वॉइस कोचेस, इसके एक्सेंट कोचेस लगे हैं, आप मेरी बात मानिए। ये लड़की बहुत घूमी फिरी है, इसने और जगह देख, इसके बच्चों का अगर आप डीएनए टेस्ट देखिए, मैं आपको बता रहा हूं इसके बच्चे पूरे नहीं है। ये होंगे इसके 1-2 बच्चे, इसमें 4 इसके बच्चे नहीं होंगे। ये एक स्टोरी बनाकर आई है, मैं आपको बता रहा हूं। इसका डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि ये वाकई में इसके बच्चे हैं कि नहीं है। हो सकता है किसी और के बच्चों को इसके साथ 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए रखा हो कि वो उसको मां मानना शुरू कर दें, उसके बड़े करीबी हो जाएं। पर ये अगर हम डीएनए टेस्ट करेंगे, आपको सीमा गुलाम हैदर की असलियत पता लगेगी, 4 बच्चे इसके नहीं हो सकते। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से इसकी हर चीज फ्रॉड है, इसमें भी झोल होगा, है ना। अब उसको यूपीएटीएस क्या करती है, यूपीएटीएस उसको देती है भाई एक कागज का टुकड़ा जिसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है, और बोलती है पढ़ो। अच्छा, ये फिलहाल कहां रह रही है, मतलब अभी तो अरेस्ट हो गई, लेकिन कहां रह रही थी, ग्रेटर नोएडा के गांव में, ठीक है। फिर वहां से भी ये कहती थी बड़े लोअर मिडिल क्लास इलाके से वहां पे आई है, और वहां पे पाकिस्तान में भी इसके दोस्त दोस्त पैदा कर दिए, पाकिस्तान में इसके दोस्त पैदा कर दिए, और बड़ी बुरी लड़की है, ये है, अच्छी है, वो उसका हस्बैंड कह रहा है मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम वहां पे, ये सब फ्रॉड है। मुझे तो ये भी शक है कि वो उसका हस्बैंड है कि नहीं है, कि ISI ने एक पति तो पैदा नहीं कर दिया कोई ओवरनाइट, कि बैकग्राउंड स्टोरी, क्योंकि जब इंटेलिजेंस एजेंसी वाले काम करेंगे तो भाई पूरा काम करेंगे, फिर आपके 15 साल 20 साल 25 साल पीछे जाएंगे, वो ये देखेंगे कि जो दुश्मन है यानी कि इंडिया कितना खोजबीन करेगा सीमा गुलाम हैदर के बारे में, इंडिया कितना पीछे जाएगा। उदाहरण के लिए जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, अच्छी कंपनी में जाते हैं, तो कंपनी जब आपको जॉब देती है उसके पहले आप CV में जो आपका लिखा है उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है कि नहीं करती कंपनी। सेम प्रिंसिपल है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका, अच्छा आपने बोला ये, अच्छा इसका क्या है, अच्छा ये आपने बोला, लेकिन यहां पे 11 महीने का गैप आपके आ रहा है, क्यों आ रहा है? जैसे HR वाले पूछते हैं वैसे ही इंटेलिजेंस एजेंसीज भी पूछते हैं, भाई ये गैप क्यों है, क्या? तो ये तफ्तीश होती है। इसमें पता लगेगा आपको कि इसकी स्टोरी में बड़े सारे होल्स हैं, क्योंकि आप सारी चीजें कवर नहीं कर सकते बॉस। आपको कोई इतना नहीं सिखा सकता कि किसी आप आ जाएं, ठीक है। अब देखो, स्विमिंग पूल में तैरने वाला ना समुद्र में नहीं तैर सकता, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि समुद्र में तैर ही लेगा वो, क्योंकि उसने स्विमिंग पूल में तैरा है, या वो नदी में तैर लेगा। स्विमिंग पूल का पानी बिल्कुल स्थिर होता है, बिल्कुल काम होता है, शांत पानी होता है स्विमिंग पूल का। वो नदी में जो लहरें चलती हैं उसमें तैरना, वो तैराक अलग होते हैं, ये वाले तैराक अलग हैं। अब सीमा गुलाम हैदर को एक कागज पकड़ाया UPATS ने, कह रहा बहन पढ़ इसको, वो कागज इंग्लिश में था, ठीक है। अभी तक इसका बैकग्राउंड कौन सा दिखाया है कि लोअर मिडिल क्लास ऐसी है, डरी सी, कुचली सी एक औरत है जो बड़ी परेशान है अपने पति से, वहां पे छोड़ के इंडिया आ गई, यहां पे गांव में रह रही है। सीमा गुलाम हैदर ने जब अंग्रेजी पढ़ना शुरू करी, ठीक है, सीमा गुलाम हैदर ने जब अंग्रेजी पढ़ना शुरू करी, तब उसकी पोल पत्री खुलना शुरू हुई कि ये एक्चुअली पढ़ी लिखी है, क्योंकि जिस तरीके से वो पढ़ रही थी, जिस तरीके से उसका एक्सेंट था, जिस तरीके से उसका लहजा था बोलने का, ये उसका था जो कि अंग्रेजी में बातचीत करता है,
वो लहजा था जो अंग्रेजी में पढ़ता है, जो अंग्रेजी में शुरू से अंग्रेजी जिसको आती है, जिसकी ट्रेनिंग अंग्रेजी में हुई है, जिसकी तरबियत, जिसका एजुकेशन अंग्रेजी में हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है शुरू से। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? उसने कल नहीं सीखी इंग्लिश, वो बचपन से इंग्लिश बोलती आई है। उसका ये कॉन्फिडेंस था, उसका जो प्रोनाउंसिएशन था, ये देखो MTI बोलते हैं कॉल सेंटर वाले, मदर टंग इन्फ्लुएंस, MTI मदर टंग इन्फ्लुएंस। तो कॉल सेंटर जब होते हैं, इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स खास तौर से, सबसे पहले कॉल सेंटरों में यही सिखाते हैं, वहां पे ट्रेनिंग जो होती है ना, एचआर वाले जब ट्रेन करते हैं, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर्स होते हैं, कहते हैं MTI खत्म करो, मदर टंग इन्फ्लुएंस, राइट? यानी कि आपको बोलना अंग्रेजी में है, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो पता लग रहा है कि आप राजस्थान के हैं, पता लग रहा है आप बिहार के हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप दिल्ली के हैं, या आप तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, मणिपुर के हैं, आपके आपके इंग्लिश बोलने के एक्सेंट में पता लग रहा है कि आप कहां के रहने वाले हैं। आपके हिंदी या अपनी मातृभाषा जो भी है, आपकी तमिल मातृभाषा हो सकती है, आपकी मलयालम हो सकती है, आपकी मारवाड़ी हो सकती है, आपकी कुछ भी हो सकती है, हरियाणवी हो सकती है, जो भी आपकी मदर टंग है उसकी झलक आ रही है, इसको कहते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस। सीमा गुलाम हैदर की जबान पर मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं है, इसका बड़ा न्यूट्रल एक्सेंट है। ये इंग्लिश मीडियम की पढ़ी है लड़की और झूठ बोल रही है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं खुफिया एजेंसीज का एक कॉन्सेप्ट, जिसको दोस्तों कहते हैं माइस, MICE। अब मैं आपको बताऊंगा माइस होता क्या है और सीमा गुलाम हैदर पे क्यों फिट आता है, माइस का फुल फॉर्म क्या है और किस तरीके से काम में लाती हैं खुफिया एजेंसीज। तो दोस्तों माइस जो है ना, ये एक एक्रोनिम है, चूहा वाला भाई इसमें समझिएगा, माइस एक एक्रोनिम है, मनी, एम फॉर मनी, आई फॉर आइडियोलॉजी, मनी यानी कि पैसा, आइडियोलॉजी मतलब आपकी सोच, आपकी आइडियोलॉजी, यू नो, आपकी विचारधारा, सी इज फॉर कोअर्जन और कॉम्प्रोमाइज। कोअर्जन या कॉम्प्रोमाइज किसको बोलते हैं दोस्तों? कोअर्जन आप जोर जबरदस्ती से, और ई ईगो, बंदे की ईगो होती है ना। हाँ, ये माइस क्यों बोलते हैं? ये रिक्रूटमेंट के टूल होते हैं। जब आप किसी को, जब कोई भी खुफिया एजेंसी, दुनिया की कोई भी खुफिया एजेंसी है, अगर वो किसी को रिक्रूट करना चाहे, किसी एजेंट को रिक्रूट करना चाहे, किसी बंदे को अपनी तरफ लाना चाहे, तो सबसे पहले वो चार या पैंतरे इस्तेमाल करती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एम फॉर मनी, आप पैसा देके किसी को, हम लोग कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, याद है? ये जो आज अमेरिकन कह रहे हैं, सीआईए आज कह रहे हैं ना, आज से 2500 साल पहले आचार्य चाणक्य ने बता दिया था साम दाम दंड भेद, वो चार तरीके, वही है माइस, थोड़े अलग रूप में, बोले माइस इज द सेम थिंग एज साम दाम दंड भेद, ठीक है? और क्योंकि हम चाणक्य डायलॉग्स हैं और चाणक्य से हमारा नाम आगे चल रहा है, इसलिए हमने आपको यह बताया कि साम दाम दंड भेद। अब देखिए माइस मनी, यानी कि अगर सीमा गुलाम हैदर को आपको रखना है और जासूस उसको बनाना है, एक तो पैसा फेंको, लालच, ठीक है? आई आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा क्या है, अगर पैसे से नहीं मानती तो विचारधारा से मानेगी, राइट? अब जैसे आप किसी जिहादी को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि यार तुम्हें काम कर दो, खुफिया एजेंसी उसको पकड़ती है, बोलती है काम कर दो, उसको पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं, उसको जिहाद से मतलब है, उसको काफिर मारने हैं, तो फिर उसको बोलो कि तुम जन्नत जाओगे, तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, ये लो RDX की जैकेट, पकड़ो और बम मार देना और काफिरों को मार देना 20-50, और तुम जन्नत पहुंच जाओगे, वहां पे हूरें मिल, वो आइडियोलॉजी है, ठीक है? या आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है। भारत के ऐसे लोग हैं जो कि जासूस थे, जो कि सोवियत यूनियन के लिए जासूसी कर रहे थे, जितने भी लेफ्ट लीनिंग प्रोफेसर थे, मैं किसी और दिन इसके बारे में पूरा आपको ब्यौरा दूंगा, यहां पे यूनिवर्सिटीज के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे प्रोफेसर थे जो कि इतने वामपंथी हो गए थे कि उनको लगता था कि भारत बेकार है, सब कुछ जो भी है सोवियत रूस है, और सोवियत रूस के लिए भारत के ऊपर जासूसी करते थे ये लोग भारतीय होने के बावजूद। तो दूसरा आता आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा, तीसरा है कोअर्जन, राइट? कोअर्जन यानी कि आप किसी की बाहें मरोड़ दो, है ना, आप किसी को ऐसा करो कि वो आदमी परेशान हो जाए, वो आदमी प्रेशर में आ जाए, ठीक है? आप उसको कोअर्स करो, ये सी है। और ई है ईगो, आप किसी की ईगो पे खेलो, ईगो पे खेल लिया आपने, आप ईगो पे कैसे खेलोगे? आप ईगो पे ऐसे कर, अच्छा आप ये काम कर ही नहीं सकते, हमें तो लगा था बहुत बहादुर हो, बोलते हैं ना जब किसी को फूंक चढ़ाते ना अपने दोस्तों को, है ना, कि भाई तो कूद जा, अरे मैं नहीं कूदूंगा, टांग टूट जाएगी मेरी, अरे हम तो यार आपस में बात करते थे, पता है तेरे पीठ पीछे हम क्या बात कर रहे हैं, कि तू तो बड़ा बहादुर होगा यार, तू तो बड़ा तेज है, तू तो बड़ा बहादुर है, शेर दिल है, अब पता लगा तू तो गीदड़ है, तेरे बस का ही नहीं है, जा डरपोक है, तुझसे बात नहीं करते, तो उसको बुरा लगेगा, उसके अहंकार पे चोट पहुंचेगी, वो कहेगा नहीं मेरी ईगो है, मैं कूदूंगा चाहे उसकी दोनों टांगें टूट जाएं। सीमा गुलाम हैदर का क्या है, ये ई वाला केस है जहां तक मुझे लगता है,
इस मामले में ईगो है, ठीक है, उसको पैसा भी दिया होगा, ऐसी बात नहीं है, उसकी आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन भी होगा, उसका कोअर्जन भी होगा, लेकिन लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है ना चीज ईगो, ईगो कहां पे उसकी नजर आई, आप सोचो, सीमा गुलाम हैदर की ईगो कहां पे नजर आई, उसकी ईगो वहां पे नजर आई, अभी तक झूठ बोलती आ रही है, सब कुछ झूठ, नहीं मेरे चार बच्चे ये मेरे ही बच्चे हैं, गुलाम हैदर मेरा पति था, मैं पबजी खेली, पबजी सचिन से प्यार करती हूँ, सनातनी बन गई, हिंदू बन गई, इंडिया में रहूंगी, मुझे वापस मुझे भेजो, मुझे मार देंगे, वहां से भी मौलाना मौलवी कह रहे हैं मार देंगे मार देंगे मार देंगे, पूरा एक माहौल बनाया। फिर उसकी आई ईगो, जब इंग्लिश का कागज उसके सामने रखा तो उसकी आई ईगो, अच्छा मुझे इंग्लिश भी नहीं आती। आप माइंडसेट समझिए, भारत में नहीं कहते, अरे यार, और हम लोग गलत कहते हैं, ये प्रॉब्लम ये खुजली भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, हम लोग गलत कहते हैं, हम लोग जो बंदा इंग्लिश नहीं बोलता हम कहते हैं अरे तो अनपढ़ है, राइट, ये बंदा तो अनपढ़ है। जहां पे उसके ऊपर प्रेशर आया, एक दिन दो दिन तीन दिन का यूपी एटीएस का प्रेशर आया, उसने फर 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 इंग्लिश ऐसे पढ़ के, अब ये बोलो ये सचिन की बीवी है, बोलो, उसने ऐसे इंग्लिश पढ़ के दी, वहां पर उसकी ईगो को चोट पहुंची। आप समझिए मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में भारत और पाकिस्तान में अंग्रेजी को एक ईगो वाला, अंग्रेजी का नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, अंग्रेजी का नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, इट इज जस्ट अ लैंग्वेज, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, जैसे तमिल है, जैसे तेलुगु है, जैसे कन्नड़ा लैंग्वेज है, या कोई और, मणिपुरी है, नागा है, नागामीज है, वैसी एक लैंग्वेज है इंग्लिश, बट हम लोगों ने क्योंकि 200 साल अंग्रेज हमारे ऊपर राज करा तो हमने इसको हवा बना दिया, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ठीक है, अब इंग्लिश इज मैटर ऑफ ईगो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो यार, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती बोलनी, लोग ऐसे नहीं बोलते, गलत बोलते हैं लेकिन बोलते हैं ना ऐसे, यूपी एटीएस ने यही गेम खेला, बोला पढ़ो इंग्लिश, उसने फर 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 इंग्लिश में, क्योंकि वहां पे उसकी ईगो आ गई। मैं आपको बताता हूं सीमा गुलाम हैदर के बारे में एक और बात समझ लीजिए, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि सीमा गुलाम हैदर के बच्चे हों और सीमा गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं ना वो ISI ने वहां पर रख रखे हों अपने पास, मानिए मेरी बात, क्योंकि कोअर्जन MICC कोअर्जन या कुछ और है इसका, जो कि ISI के पास हुक पड़ा हुआ है कि बेटा तू काम अगर करके नहीं गई ना तो इनको खत्म कर देंगे, या तो उसके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, कोई ना कोई है, कोई ना कोई है उसका जो कि पाकिस्तान में है, जिससे ये कंट्रोल हो रही है और ये औरत यहां पे आई है काम कर, क्योंकि ये सिर्फ सचिन से नहीं अब पता लगा इसके पास मल्टीपल सिम कार्ड थे, इसके पास पाकिस्तानी सिम कार्ड निकला है दोस्तों, इसको पाकिस्तानी सिम कार्ड निकला है इसके पास, और इसके पास पाकिस्तानी सिम कार्ड, आई थिंक एक सिम कार्ड इसके पास निकला और इंडियन सिम कार्ड इसके पास निकले, और ये अलग अलग नंबर से अलग अलग लोगों को कॉल करती थी, और NCR में ही कई लड़के थे जिन्होंने जिसको फंसा रखा था, और सचिन बेचारा तो क्या है, उसके भी पढ़ने चाहिए, दो चार थप्पड़ तो सचिन के भी पढ़ने चाहिए बेवकूफ के, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा सचिन जासूस है, मैं कह रहा गधा है वो, उसने ये सब ड्रामा जो करा है गधे बने में करा है, राइट, दिस वुमन इज ऑलमोस्ट 10 years ओल्डर टू हिम, लगभग इससे 8-10 साल बड़ी है सीमा गुलाम हैदर, इसने गेम खेला है, और दोस्तों ये सीमा गुलाम हैदर की मैंने माइस का कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा, और ये माइस का कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया ना दोस्तों, ये आपके जिंदगी भर काम आएगा, लोगों से काम कराने का, जो आचार्य चाणक्य ने आज से 2500 साल पहले बताया था हमको, जो अर्थशास्त्र में लिखा है साम दाम दंड भेद, वही अमेरिकन वही कॉन्सेप्ट है जो अमेरिकन कहते हैं मनी, ठीक है, मनी आइडियोलॉजी कोअर्जन ईगो, वही साम दाम दंड भेद अंग्रेजी में, सेम चीज, ठीक है, ये अब क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं, अब जैसे जैसे इसकी पोल पत्री खुलेगी वैसे वैसे पाकिस्तानी एम्बेसी और प्रेशर डालेगा कि हमें मिलना है इससे, मिलना है इससे, मिलना है इससे, हमें इससे मिलना है, हमें सीमा गुलाम हैदर से बातचीत करनी है, क्योंकि है वो उन्हीं की एजेंट, है उन्हीं की एजेंट, अब वहां पर एम्बेसडर को ISI से कॉल आ रहा होगा, जो यहां पर एम्बेसडर है ना उसको ISI से कॉल आ रहा होगा कि बेटा क्या हो गया ये, इसको छुड़ाओ, पूरी जान लगाओ, अब ये जान लगाएंगे, अब मैं आपको बताऊं अगले स्टेप में क्या होगा, अगर ये 10-15 दिन में मामला नहीं सलटा तो अब आप देखेंगे कि यहां पे NGO एक्टिव हो जाएंगे, नारी शक्ति वाले, मैं बता रहा हूं आपको, और वो अच्छा काम भी कर रहे होंगे कुछ NGOs, लेकिन कुछ NGOs फ्रॉड भी हैं, वुमेन के कुछ NGOs बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो जेन्यून काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, हैट्स ऑफ टू देम, सल्यूट है हमारा, लेकिन कुछ फेक भी हैं, और ये हर मैटर को लेकर NGOs कुछ ना कुछ फेक होते हैं, हर मैटर को लेकर, आपकी जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के NGOs हैं, डेमोक्रेसी के NGOs, ये सारे के सारे NGOs जितने भी हैं, और जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है दोस्तों, इंटेलिजेंस एजेंसी जो भी काम करती है
वो किसी ना किसी एनजीओ के थ्रू काम करती है फॉरेन कंट्री में, क्योंकि एनजीओ फिर बेचारे बन जाते हैं। एनजीओ वालों के साथ एक बहुत बड़ी चीज है, एनजीओ वाले बेचारे बन जाते हैं, हम बेचारे गरीब, हम बेचारे लाचार, वो विक्टिम कार्ड खेल पाते हैं एनजीओ। हम तो डेमोक्रेसी की आवाज उठा रहे थे, हमें देखो दबा कुचला दिया, फिर अपना नैरेटिव चलाते हैं। तो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, अगर ये सीमा गुलाम हैदर का 15-20 दिन या एक महीने में केस नहीं सलटा तो अब देखेंगे यहां से एनजीओ अब बोलना शुरू कर देंगे धीरे धीरे कि एक बेचारी अबला नारी, उसके चार बच्चे, उसको सरकार तंग कर रही है और मोदी का देखो, मोदी की बिल्कुल दया नहीं आ रही और बहुत बुरा, ये सब अब देखना शुरू होगा ड्रामा, ये होने वाला है एक महीने के अंदर अगर इसका मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में फिर वहां पे पेशावर में सुसाइड अटैक हुआ, कोई मारा नहीं गया थैंक गॉड, लेकिन 8-10 लोग जख्मी हो गए बहुत ज्यादा। अब पता नहीं एंड में क्या होगा, कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में सुसाइड अटैक लगातार होते चले जा रहे हैं और ये बढ़ गए हैं सुसाइड अटैक पाकिस्तान में, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने पिछले वीडियो में भी कवर करा था कि हाथ जोड़ के खड़े हैं तालिबान के सामने कि बाप माफ कर दो यार, प्लीज खत्म करो यार, चक्कर को मत करो, लेकिन अफगान तालिबान बोल रहा है कि बॉस हम तो करवा ही नहीं रहे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं, तुम आपस में सलट लो, और वो ठोके जा रहे हैं पाकिस्तानियों को। ये वही पाकिस्तानी थे जिन्होंने बड़े भंगड़े चंगड़े डाले थे, शादियां ने बजाए थे, ओए होए साडे मुसलमान भरा काबुल में जाके उन्होंने फतेह कर लिया, वो बड़े नाचगाना कर रहे थे, मार मार के उनकी चमड़ी निकाल दी अफगानों ने। और जो पश्तून है, क्योंकि टीटीपी इज कंप्लीट पश्तून, देवबंदी मुसलमान तो है लोग सुन्नी, उन्होंने मार मार के सुअर बना दिया यार यहां पे, और अब पाकिस्तानी रो रहे हैं बड़े बड़े टसुए मारे जी, मर गए जी, मर गए, बर्बाद हो गए। यही पाकिस्तानी जो कश्मीर को फतेह कर रहे थे तालिबान का इस्तेमाल करके, तालिबान ने उल्टा उनको फतेह कर दिया, आप समझ रहे हैं। अब वो जो पाकिस्तानी लेडी एंकर है ना, है करके जो बोलती है, वो जो लेडी एंकर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा वरना फेमस हो जाएगी, लेकिन आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, वो जो कह रही थी ना जो दूसरे के लिए घड़ा खोदते हैं, वो बहन घड़ा नहीं गड्ढा होता है, वो कहते जो दूसरे के लिए घड़ा खोद रहे हैं, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसी में गिर जाते हैं, तो भाई ये आप पे सूट करता है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था मेजर गौरव आर्या का, और वो बात आज कर रहे थे, उन्होंने प्रूव कर दिया है कि जो सीमा गुलाम हैदर है वो मेजर सीमा गुलाम हैदर है और आईएसआई की एक खुफिया एजेंट है जो ट्रेनिंग लेके और पूरे सीमा टुकराए इंडिया की बहू यार, क्या कैसा उसने यार ड्रामा रचाया और सबको ऐसा शीशे में उसने उतारा है भाई। इंडिया देखे प्यार मोहब्बत करने वाले हैं, वो तो देखिए वो तो सच्चाई, वो कहते किसी तरीके से हमारा जो मोहब्बत है हम लोगों को दिखलाएं, कहीं से भी जो हमारे पास आए तो हम उसको जो चाहत मोहब्बत दें। उन्होंने तो अपना लिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सीमा के अंदर जो है ना जहर भरा हुआ है, और देखे सीमा का जहर अभी बाहर नहीं निकला। देखे ये बात यही है कि चालू औरत है, सवाय इसके और कोई नहीं, चालू औरत है। और चालू औरत क्या है, लड़कों को फंसाना, पैसे ऐंठना, अपने जो शौहर है साहब का उससे भी बड़ी, उसका घर बेच के जो जितना भी सारा कुछ बेचता बेच बाच के निकल गई अब इंडिया। अब इंडिया चूंकि बड़ी खबरों में है, इंडिया से वैसे भी हर पाकिस्तानी देखता है कि इंडिया में यार सबसे बड़ी अट्रैक्ट करती है, वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री अट्रैक्ट करती है, अब वहाँ के शहर, उस वहाँ की तरक्की, सारी चीज़ें, और यही वो चीज़ है। उसने कहाँ से उसके दिमाग में आया, उसने किसी बच्चे को फंसाते हैं, और लड़के तो पहले ही दिल फेंक होते हैं, बस किसी तरफ से आने की देर होती है। उसने साल दो साल उस पर लगाए और फिर फट से निकल गई अपने चारों बच्चों को लेकर। अब चाहे उसको वहाँ पे धर्म बदलना पड़े, चाहे उसको वहाँ पे प्यार मोहब्बत के कुछ करना पड़े, लेकिन वो गई सिर्फ इंडिया और इंडिया के लिए है। अब उसको बहू बना लिया है, ठुकरैन बना लिया है, तो यार उसको बना के रखो, कोई कुछ भी नहीं निकलेगा, ना वो आईएसआई की एजेंट निकलेगी, ना ही कोई ऐसा और चक्कर निकलेगा। सिर्फ ये है कि वो एक दो नंबर औरत थी, और ये 10-12 लड़कों के एक टाइम पे उसके अफेयर्स, ऐसे पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं जो यूट्यूब वाले अब उसके गली मोहल्ले ये वो पूरी तहकीक कर रहे हैं, और वहाँ पे भी जो देखिए आम फैम में बात है, चार बच्चे हों और भाग किसी और के साथ जाए, वो कोई शराफत के जमरे में चीज़ें नहीं आती। और पहला बंदा भी दुहाइयाँ दे रहा है कि प्लीज वापस आ जाओ, या मेरे वो भी लव मैरिज है, उससे पहले भी लव मैरिज है, अब डांस निकल रहे हैं पुराने, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। लेकिन बात यही है कि वो औरत ठीक नहीं थी, लेकिन
अब गई वो किस तरह से, किस तरह अब आईएसआई वाला नया चक्कर है, और ये मेजर साहब ने प्रूफ भी कर दिया आज के। और एक और मेजर साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो पाकिस्तान में आईडी कार्ड बनता है ना, वो ऐसे ही हाँ। उस डेट पे इशू होता है ना, वो डेट लास्ट वही डेट है अभी। देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो आईडी कार्ड है वो मेरा ख्याल 9 या 10 साल के लिए बनाया जाता है। अभी मेरा भी पिछले साल ही मेरे ख्याल में साबर भाई अपना निकाल रहे, देख रहे हैं आईडी कार्ड। हाँ जी 2021 में हुआ है इशू, दिखाओ ये दोबारा 2021 में। और ये देखे जी साबिर सुल्तानी साहब का कार्ड है और ये 2021 में इशू हुआ है, और इसकी एक्सपायरी भी है, और इसकी एक्सपायरी डेट है 2031। हाँ 2031 में एक्सपायर हो जाएगा, फिर नया बनवाना पड़ेगा, फिर वो डेट वो इशू डेट सब डाल देंगे मेजर साहब। नहीं आपके सबूत जो है फेल हो गए। चले जी खैर, वो बाकी में लगता भी नहीं है कि वो आईएसआई की एजेंट है या उसका कुछ ऐसा मामला है, लेकिन वो घर बसाने के लिए चली गई है, करेक्टर चाहे जो भी हो। अब ये बातें सारी पीछे रह गई है, उसको लोगों ने कबूल किया है, मोहल्ले वालों ने भी कबूल कर लिया है कि यार हम इसको सपोर्ट करेंगे या जो भी है। एक और चीज है, वो यूट्यूब पे आ जाएगी, सेलिब्रिटी बन जाएगी, इंडियन फिल्मों ड्रामों में आ जाएगी, तो उसका घर बार भी चल जाएगा, जो गरीबी है वो भी दूर हो जाएगी, उसके जो बच्चे हैं वो अच्छी तालीम ले लेंगे, इंडिया में पढ़ जाएंगे, अच्छे संस्कार ले लेंगे, वो बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान में तो उनका फ्यूचर जो था वो नजर आ ही रहा था। ये सारी चीजें हैं जो बेहतर है, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। अब उसको पकड़ लिया है तो चले कुछ ना कुछ तो तहकीक में निकले गई, लेकिन तहकीकात करें ये जो नजर आ रहा है या जो कुछ देखा या जो सुना है ना, उसके मुताबिक तो हमें आईएसआई की नहीं लग रही। चले जी खैर, वो कुछ भी कह सकते हैं, सीमा ठुकराए ना बन चुकी है, वो आपकी बहू है यार, उसका बहू के बारे में ऐसे नहीं, उसका ख्याल रखना आप लोगों का हक है। चलो कोई तो इंडिया गई नहीं यार, उसका थोड़ा सा ख्याल रखो, वो अब ठुकराइन बन गई है, उसने घर वापसी भी कर ली है, तो थोड़ा सा इस नाते ही सही। मेरा ख्याल है कि अब ये मंजिल उसकी यही है, हो सकता है कि वो इससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करे और कोई मीना सचिन या कोई इस टाइप के बंदे ना ढूंढे, यहाँ से ही अपनी जिंदगी को वो नई शुरुआत कर ले। हो सकता है बहुत ऑफरें आ जानी है कि आप फिल्म, वो तो गरीबी दूर करने के लिए आप देखिए, वो सेलिब्रिटी तो बन ही चुकी है, और ये अब पैसा तो उसके लिए हिसाब से इंडिया में उसका जो फ्यूचर है ना वो बड़ा जबरदस्त है, और उसके बच्चों का भी बड़ा जबरदस्त बिल्कुल। दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान में जो है वो जो तालिबान है वो पाकिस्तानी तालिबान ही है, और वो बिल्कुल ही धड़ल्ले से वो सारा कुछ कर रहे हैं, तब तक करते रहेंगे जब तक हम उन्हें इजाजत देते रहेंगे, और जब हम उन्हें रोकना चाहेंगे तो वो रुक जाएंगे। तो यही सारी चीजें हैं। देखिए तालिबान के आने के ऊपर हमने खुशियां मनाई थी, हम आज भी खुशी मना रहे हैं कि वहां पे अगर तालिबान आ रहे हैं, आज देखिए आज अगर उनकी हुकूमत इसी तरह से आगे चलती है तो अफगानिस्तान मुस्तहकम होता चला जाएगा, चाहे पाकिस्तान के अंदर टीटीपी। भाई वो सिंपल सी बात यही है, वो कौमी धारे में आएंगे, अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे सिर्फ, लेकिन जब वो बंदूक उठा के लोगों को मारने धाड़े के निकलेंगे कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। जो उनका हाल, जो उनकी तबाही हुई है, ये वही वजह है जब उन्होंने बंदूकें उठाई हैं और गरीब सादा और मासूम लोगों को मारना शुरू कर दिया है, चाहे उनके सामने कोई भी आया है। लेकिन तालिबान ने किसी गरीब और मासूम को नहीं मारा कभी भी, ना पहले और ना ही अब। उनके नाम के ऊपर जैसे आज देखे, जैसे टीटीपी बन गई है, दाइश बन गई है, ऐसी तंजीमें बना दी गई हैं। देखिए वो पुरअमन लोग हैं, और आज भी देखें बंदूकें उनके पास है, लेकिन आज वो देखें किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। 22 सालों की मार खा के अगर अब भी अक्ल आ जाए तो हम समझते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अब लेकिन दुरुस्त सिमत में बढ़ रहे हैं। अब अगर तालिबान के ऊपर ऐसा कहा जाता है तो फिर ये बुरी बात है। हाँ ये टीटीपी जैसी जो तंजीमें हैं, जो छोटे छोटे ग्रोह अपने ही पैदा किए हुए हैं, अगर इनके ऊपर बात की जाए तो वो कर रहे हैं, वो आज भी कर रहे हैं, क्योंकि जिन दूसरों के आगे हम गड़ा खोदेंगे तो उसमें हम खुद भी आज भी जो टीटीपी वाले हैं और खैर अफगानी तालिबान हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि इंसानियत सोच है। वो लड़कियों का घरों से बाहर निकलना, कॉलेज यूनिवर्सिटियों का बंद कर देना, बच्चियों के स्कूलों से पढ़ाई को बंद कर देना, ऐसी अभी बहुत सारी चीज़ें, और ज़बरदस्ती ऐलानात करना कि तालिबानों से शादी करें अपनी जवान बच्चियों की, तो ये भी गैर इंसानी और गैर फितरी चीज़ें हैं। अगर ये सब भी देखा जाए तो इतनी
कोई तरीके से मुस्तहकम हो रहे हैं, तरक्की इस तरह पे चल, लेकिन अच्छी बात यही है कि वो मुस्तहकम हूँ। वहाँ के जो आम लोग हैं जो हमेशा से इन सारी चीज़ों से जूझते रहे हैं, जो गरीबी में रहे हैं, इन तालिबानों की वजह से हो, मुल्ला उमर हो, सामे हो, फलाने हो, ढमकाने हो, सब की वजह, लेकिन मरता एक आम आदमी रहा है, उसके लिए कुछ अगर बेहतरी हो जाए, दोबारा ये अपनी बंदूकें सीधी ना कर लें, कभी अमेरिका, कभी रूस, कभी चाइना, कभी पाकिस्तान, तो ये आगे बढ़ेंगे और तरक्की भी करेंगे। अब देखेंगे वो अब इतने दूर जाके ना तो रूस से लड़ सकते हैं और ना ही वो अमेरिका से लड़ सकते हैं, ये वहां से आए हैं तो फिर उन्होंने आगे मुकाबला तो करना ही है, क्योंकि वो खुददार कौम। देखें जब खुददार कौम अपने घरों में दहशतगर्दों को पनाहें देगी तो फिर कोई ना कोई आएगा और उन आग को मारेगा ही। जब उन्होंने पनाहें दी थी तब वो दहशतगर्द नहीं थे, तब वो अमेरिका के जो थे सहूलतकार थे और अमेरिका की जंग लड़ रहे थे, लेकिन ना लड़ते ना तो फिर देखें यही तो पाकिस्तान ने काम किया, यही उन्होंने तालिबानों ने किया रूस के साथ, उस वक्त सारा मिलजुल के उन्होंने किया था ना, उस वक्त ये जो थे ये दुश्मन नहीं थे, ये दोस्त थे, और फिर इन्हीं को बहाना बना के फिर उनको जो है ना 40 साल से ये उन्होंने जंग मुसल्लत की हुई है। तो लेकिन अब वो अब देखिए अब अगर वहां पे किसी को पनाह तो नहीं दे रहे, अब तो अपने वो मुस्तकिल के लिए अपने मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा विक्टिम तो पाकिस्तान बन रहा है, और कैसे नहीं वहां पे पनाह दे रहे, और खुद ही नहीं बन रहा, तुम बच्चों वाली बातें करते हो, हकीकी बात ये है कि वहीं से ही आते हैं और वहीं से ही मार के फिर वापस अफगानिस्तान ही चले जाते हैं। अगर वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो फिर पाकिस्तान भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ना, अब कार्रवाई तो होनी चाहिए। जब कार्रवाई हुई थी, जब ज़र्बे अज़ब हुआ था नजर भी आ रही थी, वो पाकिस्तान के अपने अंदरूनी इलाकों में हुआ था, अब कार्रवाई होगी अफगानिस्तान में जहाँ से वो आते हैं और अटैक करते हैं। अब जो अटैक जो पाकिस्तान में होते हैं उसके ऊपर तो कार्रवाई हो सकती है ना, कि हमारे मुल्क में आके वो दूसरे मुल्क से आगे अटैक करके चले जाते हैं तो किस लिए हमारी ये फोर्सेज हैं, हमारे ये इतने जो दिफाई बजट हैं वो किस लिए, इसलिए कि वो कोई भी एक आम तालिबान उठे और कोई बंदा अरा कर आए और हमारे एयरफोर्स को और हमारे आम लोगों को मारे। ऐसे ही है, बिल्कुल जी ऐसे ही है। अब क्या करें, इमरान खान एक प्राइम मिनिस्टर से एक टिकटॉकर बना दिया है और फिर दर्द और दुख ऐसे निकलते ही रहेंगे। चलें जी, ये हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, इनके इन पे भी काबू पाया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी ये। वीडियो हमारे व्यूवर्स को कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर तो अच्छी लगे तो फिर लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। बढ़ते हैं एक नेक्स्ट वीडियो की जानिब, अल्लाह हाफिज़।